नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा ग्रीस के उस निर्णय के बारे में जिसके तहत ग्रीस ने अपने टेरिटोरियल वाटर्स को एक्सपांड करने का निर्णय लिया है। तो ग्रीस की जो पार्लियामेंट है वहां पर एक बिल सबमिट किया गया कि हम अपने टेरिटोरियल वाटर्स को इंक्रीज करेंगे, यानी अपनी बाउंड्रीज को चेंज करेंगे, और ये अप्रूव भी हो चुका है। इसके क्या मायने हैं, क्यों ये अप्रूव किया गया, इसके पीछे रीजन क्या है, टर्की का इस पूरे मामले में क्या लेना देना है, जबकि ये तो ग्रीस और इटली के बीच का मामला है मेनली, बट स्टिल यहाँ पर टर्की का एक बहुत बड़ा एंगल है जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो में। अगर आप स्टडी आईक्यू के टीचर्स के द्वारा यूपीएससी आईएएस एग्जाम की पढ़ाई करना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू का एक स्मार्ट कोर्स उपलब्ध है जिसके मदद से आप घर बैठकर इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। हमारे स्मार्ट कोर्स में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। इट्स नॉट जस्ट अ वीडियो क्लास, इसमें आपको अन्य कई फीचर्स हैं जो हमारी ऐप पर आप जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और लोड़ी के तहत स्टडी आईक्यू अपने कोर्सेज पर 5% डिस्काउंट दे रहा है, तो इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए आपको कोड यूज करना है LODI5। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं, मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स चाहते हैं, तो मुझे ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं, और लेक्चर्स के PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। अगेन यू हैव टू सर्च फॉर महिपाल राठौड़ ऑन टेलीग्राम। 9 जनवरी को ग्रीस की सरकार ने पार्लियामेंट में एक बिल प्रस्तुत किया जिसके तहत ग्रीस अपने पश्चिमी टेरिटोरियल वाटर्स को 6 से 12 नॉटिकल माइल तक एक्सटेंड करेगा और ये आयोनियन सी में बाउंड्री बढ़ाई जाएगी। तो अगर हम दक्षिणी यूरोप में जूम इन करें तो हम यहां पर पाएंगे ग्रीस जो कि दो समुद्र के बीच में स्थित है। ग्रीस के पश्चिमी साइड पर है आयोनियन सी जो कि इटली और ग्रीस के बीच में है। यहां पर अल्बेनिया देश भी है, तो अल्बेनिया का भी यहां पर थोड़ा सा कोस्ट लाइन है आयोनियन सी का। और दूसरी तरफ है एजियन सी, तो ये वाला पूरा एजियन सी है टर्की और ग्रीस के बीच में। तो ये है टर्की जो ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन के बीच में स्थित है, सैंडविच्ड है, और एक तरफ इसके टर्की के पश्चिमी साइड पर है एजियन सी। ये पूरा एजियन सी है, ऑलराइट। तो एजियन सी और आयोनियन सी ये दोनों ग्रीस के ईस्टर्न और वेस्टर्न सीज हैं, ये इसके टेरिटोरियल वाटर्स हैं। लेकिन अभी ये जो बिल हुआ है, ये बिल लाया गया है, ये आयोनियन सी में उसका बॉर्डर एक्सटेंड करता है। लेकिन इसका अल्टीमेट पूरा टारगेट है टर्की, किस तरह से मैं आपको समझाऊंगा। बस एक बात याद रखना, ये जो सारे आइलैंड्स नजर आ रहे हैं आपको, ये सारे आइलैंड्स ग्रीस के हैं, टर्की के नहीं है। टर्की के बहुत कम आइलैंड्स हैं एजियन में, ज्यादातर आइलैंड्स पर ग्रीस का कंट्रोल है, ग्रीस का हिस्सा ये आइलैंड्स रहे हैं। PDF डाउनलोड करने वाले छात्रों की सहूलियत के लिए यहां पर फिर से मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। ये आयोनियन सी है, ये एजियन सी, ये रहा ग्रीस, ये रहा अल्बेनिया, और ये रहा टर्की। तो ये सारे जो नाम है, ये लोकेशंस हैं, ये इस लेक्चर में आपके काम में आने वाली हैं। अब टेरिटोरियल वाटर्स की डेफिनेशन क्या है, ये कैसे तय हुई। 1982 में एक संधि साइन करी गई दुनिया भर के देशों द्वारा। इट इज कॉल्ड द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, यूएन क्लॉज या अनक्लॉज इसको कहते हैं। यूएन क्लॉज ये कहता है, उसमें अलग अलग पैमाने तय किए गए हैं कि 12 नॉटिकल माइल तक किसी भी देश का टेरिटोरियल वाटर होता है। 12 नॉटिकल माइल होता है अप्रोक्सीमेटली 22 किलोमीटर। टेरिटोरियल वाटर में यानी कि इतने एरिया में आप जिस देश में है, मान लो ये भारत है, तो 12 नॉटिकल माइल तक भारत के सभी कानून लागू होंगे। भारत की जो पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज है, जो भी है हमारे यहाँ कोस्ट गार्ड है, उन सब का ज्यूरिसडिक्शन यहाँ पर लागू होगा। अगर आप कोई क्राइम करते हैं इस 12 नॉटिकल माइल वाले एरिया में, तो आपको भारत के कानून के तहत सजा होगी। उसके बाद आता है कंटिग्यूअस जोन, जो ये 12 नॉटिकल माइल का है, अगले 12 नॉटिकल माइल। तो कंटिग्यूअस जोन के अंदर भी कुछ कानून इस देश के लागू होंगे, जैसे कि कस्टम्स, पॉल्यूशन रिलेटेड, एनवायरमेंट रिलेटेड लॉज यहां पर लागू होंगे। लेकिन ये इंटरनेशनल वाटर होता है, यहां पर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय जहाज यानी कि दूसरे देश का जहाज आराम से आ सकता है, अगर अनटिल एंड अनलेस वो नेवल वेसल ना हो या थ्रेट नहीं कर रहा हो, कोई गोलियां दाग रहा है तो बात अलग है। लेकिन नॉर्मली यहां पर इंटरनेशनल वाटर्स में कोई भी जहाज को रोक टोक नहीं करी जा सकती है, चाहे वो किसी भी देश का हो। तो ये इंटरनेशनल वाटर्स यहां से शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये कंटिग्यूअस जोन एक तरह का बफर देता है 12 नॉटिकल माइल का। और उसके बाद टोटल 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है किसी भी देश का। लेकिन मान लो सामने एक दूसरा देश है, जैसे अब हमारे आसपास तो नहीं है इतने बड़े बड़े देश, श्रीलंका है केवल एक नजदीक में, श्रीलंका बांग्लादेश, लेकिन जैसे अब इटली और ग्रीस है, तो इन दोनों में ऐसा नहीं है कि 200 नॉटिकल माइल इटली का भी यहां तक आएगा और ग्रीस का भी यहां तक आएगा, नहीं। तो ऐसे में क्या होता है, वो जो मिड पॉइंट होता है उसको वो चूज कर लेते हैं। तो मान लो इटली के जमीन से यहां तक 50 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस है और यहां से ग्रीस या ग्रीस की तरफ से भी 50 है, तो दोनों 50-50 पे डिवाइड कर लेंगे, तो वो उनका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ओके, तो ये सारे नियम कानून यूएन क्लॉज के तहत तय किए गए थे। कुल मिला के आपको बस ये याद रखना है कि यूएन क्लॉज किसी भी देश को अपने टेरिटोरियल वाटर्स 12 नॉटिकल माइल तक बढ़ाने की अनुमति देता है लीगली। ओके, तो जैसे मैंने आपको 50 माइल का एग्जांपल दिया, अब यहां पर इटली और ग्रीस या अल्बेनिया में यहां 200-200 माइल नहीं मिलेगा इनको, 50 या 40 माइल नॉटिकल माइल जितना ही डिस्टेंस मिलेगा। तो ये उस अनुसार अपनी बाउंड्री तय कर लेते हैं।
तो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इस तरह से तय होते हैं, लेकिन टेरिटोरियल वाटर वो कौन तय करेगा, वो तो ग्रीस ही तय करेगा ना कि उनका टेरिटोरियल वाटर कितना है। तो ये है आयोनियन सी, ये यहां पर इटली का दक्षिणी हिस्सा, ये है सिसिली आइलैंड, ये है स्ट्रेट्स ऑफ मेसिना और ये है स्ट्रेट्स ऑफ ओट्रांटो। ये भी नाम याद रख सको तो यार रख लेना। स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो किसको कनेक्ट करता है, आयोनियन सी और ऊपर है एड्रियाटिक सी को, तो यहां पे है अल्बेनिया। अब ग्रीस और इटली ने अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मिलकर डिसाइड कर लिया है, उनके बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं है, ऑफिशियली वो इसको तय कर चुके हैं। तो उनके बीच में मैरिटाइम बाउंड्रीज को लेकर कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, दोनों अच्छे से राजी खुशी अपना चल रहे हैं। इन्होंने ये लाइन डिसाइड कर ली है, जैसा मैंने आपको पहले भी मैप में मार्क करके बताया था, ये येलो लाइन जो है ये इनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के एग्रीमेंट के तहत मिड पॉइंट आता है। तो इसके इधर अगर तेल कुएं कुछ मिल जाते हैं तो वो ग्रीस के, यहां वाले अगर मिलते हैं तो वो इटली के। इधर अल्बेनिया और ग्रीस के बीच का जो बॉर्डर है ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक था इनके लिए, लेकिन इसको लेकर ये डिस्कशंस कर रहे थे, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए थे, लेकिन अब ऑलमोस्ट वो डील हो चुकी है क्योंकि अल्बेनिया की जो अभी सरकार है उसने साफ कह दिया है, वहां के प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि ग्रीस के इस 12 नॉटिकल माइल्स एक्सटेंड करने से हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो अल्बेनिया के साथ भी आप मान के चल लो, जो भी इनका डिस्प्यूट था वो सॉल्व हो चुका है, अल्बेनिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इटली और अल्बेनिया जो इसके दोनों पड़ोसी हैं जहां पर ये अपना एक्सटेंड कर रहा है टेरिटोरियल वाटर, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे देखो इन्हें प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि 12 नॉटिकल माइल तो इतना सा ही तो होगा और इन्होंने तो अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी डिसाइड कर रखे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी आपत्ति उठा देते हैं देश, तो ऐसे में इन दोनों पड़ोसियों ने कोई आपत्ति नहीं उठाई है। ऑलराइट, अब एक चीज मैं आपको बतानी भूल गया था कि लोडी सेल के तहत अगर आप आज पेमेंट नहीं कर पाते हैं किसी भी कोर्स का, मान लो आपने कोर्स परचेस कर लिया और फाइनली उसका पेमेंट अटक गया या पेमेंट में कुछ इश्यूज आ गए, तो आप चिंता मत कीजिए, आप खाली एक ईमेल ड्रॉप कर दीजिए स्टडी आईक्यू पर कॉन्टैक्ट पर, या फिर एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए हमारे चैट बॉक्स पर। आप अगर पेमेंट को कल भी कंप्लीट करते हैं तो भी ये डिस्काउंट आपको अवेलेबल रहेगा, एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट है ओवर एंड अबाउट द एग्जिस्टिंग डिस्काउंट्स। ओके, तो आप अगर आज प्रोसेस पूरा नहीं कर पाते क्योंकि आज वेबसाइट पर ट्रैफिक भी हो सकता है ज्यादा रहे, पेमेंट गेटवेज भी शायद थोड़े बिजी हो सकते हैं, तो डू नॉट वरी, आप कल तक भी पेमेंट को पूरा प्रोसेस कर पाएंगे, बट यू हैव टू इन्फॉर्म द टीम, या तो आप फोन पे बता दीजिए या चैट बॉक्स पर या फिर ईमेल के माध्यम से। अब आते हैं फिर से हमारे टॉपिक पर। अब आपको यहां लग रहा होगा कि ये टॉपिक तो खत्म हो गया, कि उन्होंने अपने टेरिटोरियल वाटर्स बढ़ा लिए, इटली को कोई दिक्कत नहीं, अल्बेनिया को दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रीस जो है वो एक बड़ा शातिर खेल खेल रहा है, उसका निशाना कुछ और है, निगाहें कहीं और है, वो गाना है ना कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, वैसी वाली बात है यहां पर। तो अल्टीमेटली ग्रीस सिग्नल देना चाहता है टर्की को, और टर्की और ग्रीस दोनों नेटो एलाइज हैं, लेकिन दोनों के बीच में सालों से एक डिस्प्यूट चल रहा है रिगार्डिंग देयर मैरीटाइम बाउंड्रीज, कहां पर, एजियन सी में। अब टर्की ने इस निर्णय पर क्या प्रतिक्रिया दी है, टर्की ने कहा कि आपने पश्चिमी साइड बढ़ा लिया यानी आयोनियन सी में अपने टेरिटोरियल वाटर्स को बढ़ा लिए, कोई बात नहीं, अगर आपने हमारी साइड यानी ईस्ट में अगर बढ़ाया, इस तरफ अपने टेरिटोरियल वाटर्स को बढ़ाया एजियन सी में, तो इट विल बी केसस बेलाई, यानी कि ये लड़ाई के लिए एक हमारे पास कारण होगा, यू विल गिव अस अ रीजन फॉर वॉर, हम आप पर जंग छेड़ देंगे, साफ तौर पर टर्की ने कह दिया है। और ऐसा पहली बार नहीं कहा है, 1990 के दशक में भी सेम ऐसा ही डिसीजन ग्रीस ने लेने की कोशिश करी थी इन एजियंसी की, 6 की जगह 12 नॉटिकल माइल का अपना टेरिटोरियल वाटर कर दें, लेकिन उस समय भी ग्रीस ने ये निर्णय अपना पीछे खींच लिया था क्योंकि टर्की ने तब भी धमकी दी थी। तो ये दोनों नेटो मिलिट्री अलायंस मेंबर्स हैं, लेकिन ये अपने कॉन्टिनेंटल शेल्फ को लेकर, एनर्जी राइट्स को लेकर और कुछ आइलैंड्स के डिस्प्यूट को लेकर, स्टेटस को लेकर हमेशा झगड़ते रहते हैं, इनमें डिस्प्यूट चलता आया है। अब ग्रीस अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो कितना बताता है, जो आपको यहाँ डार्क ब्लू कलर में नजर आ रहा है, तो ग्रीस अपना एरिया यहां तक बताता है कि ये पूरा हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ये 200 नॉटिकल माइल्स या फिर जो हमारे आइलैंड्स हैं उनके चारों तरफ एक गोला बना लो 6 नॉटिकल माइल का, तो इतना एरिया आता है। लेकिन आप देखेंगे कि ये टर्की के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से भी कोइंसाइड कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में ये बहुत बड़ा एरिया कोइंसाइड करता है, और ये तो आपको एक बड़ा एरिया नजर आ रहा है, उसके अलावा कई छोटे छोटे आइलैंड्स वाले एरियाज भी हैं। ये डिस्प्यूट अगस्त 2020 में भी सामने आया था, जब टर्की और ग्रीस की नौसेनाएं ऑलमोस्ट युद्ध के कगार पर आ गई थी। टर्की का एक वेसल था ओरुक रेस, ये काम क्या करता है, ये ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम करता है, तो ये सर्वे कर रहा था ऑयल एंड गैस के लिए साइप्रस के तट के निकट, और उसी समय यहां पर ग्रीस ने ये कहा था कि ये तो हमारा एरिया है, तुम यहां पर कैसे सर्वे कर रहे हो, और ग्रीस ने अपनी नौसेना के वेसल्स को इसके पीछे लगा दिया था, दोनों में कुछ टक्कर वक्कर भी हो गई थी, तो ऑलमोस्ट लड़ाई की स्थिति पहुंची गई थी, लेकिन बाद में मामला शांत हो गया। तो यहां पर देखो साइप्रस के स्टेटस को लेकर भी अभी बहुत सारे इश्यूज हैं, क्योंकि देखो साइप्रस में, नॉर्दर्न साइप्रस जो है वो एक तरह से टर्की ही उसको सपोर्ट करता है और कोई सपोर्ट नहीं करता, तो यहां पर टर्की इस
क्लेम पर, यानी नॉर्दर्न साइप्रस भी हमारा ही है या फिर हमारे दोस्त का है, उसके बेसिस पर ये अपना ईईजेड और बढ़ा लेते हैं, जबकि ग्रीस का मानना है कि ये साइप्रस जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और यहाँ पर टर्की का कोई क्लेम नहीं बनता है। तो ये साइप्रस वाला भी एक और पेच इसमें है, और ये सब अगस्त 2020 में भी मामला सामने आया था, और उस समय भी लग रहा था कि शायद एक छोटी मोटी जंग दोनों देशों में हो सकती है। अब जब से ये प्रॉब्लम चल रही है तो यूरोपियन यूनियन ने टर्की को लगातार धमकियां दी है कि हम सैंक्शंस लगा देंगे आपके खिलाफ अगर आप इस तरह की युद्ध की बातें करते रहे, लेकिन टर्की पीछे नहीं हटा है। और दोनों देश, टर्की और ग्रीस, अपने अपने साथियों के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर चुके हैं इस रीजन में, एजियन के आसपास। अब टर्की के साथ प्रॉब्लम क्या है, देखो टर्की की समस्या समझो आप, टर्की की नज़र से देखो तो उनका देश 8,333 किलोमीटर की कोस्टलाइन लेकर बैठा है, बहुत ही बड़ी कोस्टलाइन है, लंबी कोस्टलाइन है। उसके अनुसार उनका पोटेंशियल मैरिटाइम ज्यूरिसडिक्शन कितना आना चाहिए, 4,62,000 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 4.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा। लेकिन समस्या क्या है, इतना एरिया उनके पास आता क्यों नहीं है, क्योंकि ये जितने भी आपको छोटे छोटे आइलैंड नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे ग्रीस के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तो हालांकि ये टर्की के तट के निकट हैं, लेकिन ये सारे आइलैंड्स ग्रीस के स्वामित्व वाले हैं, और क्योंकि ग्रीस कंट्रोल करता है, ग्रीस की ये टेरिटरी है, तो इनके आसपास का 6 नॉटिकल माइल का एरिया ग्रीस का टेरिटोरियल वाटर हो जाता है। और एजियन सी में ग्रीस ने अपना नॉटिकल माइल्स कितना रख रखा है, 6, वहां पर अभी 12 किया नहीं है, लेकिन उसने आयोनियन सी में 12 करके ये सिग्नल दे दिया है टर्की को कि यहां पर भी हो सकता है हम कुछ आने वाले समय में 12 नॉटिकल माइल कर दें। और ग्रीस का ये कहता है, ग्रीस का ये कहना है क्योंकि सारे आइलैंड्स हमारे हैं, तो ऑब्वियसली जो उसके आसपास का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा वो भी हमारा होगा, तो वो तो हम 200 नॉटिकल माइल कर लेंगे। तो भाई साहब, अगर इस आइलैंड से 200 नॉटिकल माइल ले लोगे तो ये तो टर्की के अंदर तक घुस जाएगा एरिया, मतलब समझ रहे हो आप भावनाओं को, ये जमीन है, अंदर तक नहीं जाएगा। बट बात यह है कि टर्की के पास अपनी कोस्टलाइन बहुत ही कम बचेगी, सिर्फ उनके पास कुछ नॉटिकल माइल का एरिया बचेगा और वहां पर कोई ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशंस नहीं हो सकते हैं। तो यही बस समस्या है, एक एग्जांपल के साथ आपको बता देता हूं, जैसे कि ये वाला आइलैंड है कास्तेलोरिजो। अब कास्तेलोरिजो जो आइलैंड है ये ग्रीस का है, लेकिन ये टर्की के तट के कितना निकट है, तो आप देखो ये इनका मैरिटाइम बाउंड्री हो जाती है, और टर्की के पास क्या बचा, कुछ नहीं, ये तो बस अपनी छोटी मोटी नाव लेके मछुआरे इनके यहाँ पे मछली पकड़ लेंगे, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन यहाँ पर कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो टर्की का ये कहना है कि आप अपने आइलैंड्स के बेसिस पर अपना ईईजेड बढ़ा नहीं सकते, आप अपना ईईजेड यहाँ से गिनो, ये जो आपका मेन लैंड है ना, आप यहाँ से काउंट करो 200 नॉटिकल माइल या फिर जो भी हमारे बीच का मिड पॉइंट है, वहां तक हम अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रखेंगे। ऐसे नहीं है कि आपका आइलैंड बिल्कुल यहाँ है तो यहाँ तक की सारी टेरिटरी आपकी। लेकिन ग्रीस क्या कहता है, बिल्कुल आइलैंड्स अगर हमारे हैं, यहाँ पर जो भी ब्राउन कलर के आइलैंड्स नजर आ रहे हैं ये सब ग्रीस के हैं, अगर आइलैंड हमारे हैं तो ऑब्वियसली उसके आसपास का समुद्र भी हमारा ही होगा। तो ग्रीस का क्लेम तो बहुत बड़ा है। आप देखो ग्रीस वैसे अगर ज्योग्राफिकली आप देखोगे तो इतना बड़ा देश नहीं है कंपेयर टू टर्की, लेकिन उसके आप टेरिटोरियल वाटर्स देखो, ये जो ब्लू और व्हाइट में दिखा रखे हैं ये सारे ग्रीस के हैं, क्लेम किए गए। ग्रीस के कंट्रोल वाले एजियन सी में लगभग 4,000 द्वीप हैं इस एरिया में, और अगर ग्रीस इन 4,000 आइलैंड्स के आसपास अपनी टेरिटोरियल वाटर्स की बाउंड्री को 6 से 12 नॉटिकल माइल एक्सटेंड कर देता है, मान लो अभी जो एग्जिस्टिंग 6 है, दोनों देशों ने तय कर रखा है कि 6 नॉटिकल माइल होगी, ग्रीस ने भी और टर्की ने भी, दोनों 6 नॉटिकल माइल रखते हैं, मान लो कि ग्रीस 6 से 12 कर देता है, तो फिर इस एजियन सी का ऑलमोस्ट 64% हिस्सा चला जाएगा ग्रीस सॉवरेंटी में, और टर्की के पास क्या बचेगा, कुछ नहीं, केवल 10% बचेगा, यानी कि इतनी लंबी कोस्टलाइन होने के बावजूद उनके पास यहाँ एजियन सी में केवल 10% एरिया बचेगा ऑयल गैस या जो भी भविष्य में मिनरल्स निकलेंगे उसके एक्सप्लोरेशन के लिए, बाकी 26% रहेगा इंटरनेशनल वाटर्स। तो टर्की ये कहता है कि अगर हम ग्रीस का लॉजिक मान लें तो हमारे पास तो कुछ नहीं बचेगा, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि ग्रीस जब चाहे हमको ब्लॉक कर सकता है, और इसीलिए यही सब रीज़न है जिसके कारण टर्की ने अभी तक यूएन क्लॉज को साइन नहीं किया है। दुनिया में बहुत कम देश हैं जिन्होंने यूएन क्लॉज को साइन नहीं किया है, उनमें से यूएसए एक बड़ा देश है, टर्की एक बहुत बड़ा देश है, बाकी ये सब तो मोस्टली लैंडलॉक्ड है तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, साउथ सूडान से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बड़े बड़े देश हैं इंक्लूडिंग टर्की एंड यूएसए, इन्होंने अभी तक यूएन क्लॉज को साइन नहीं किया है। और आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा देश है, मैं बताना मेरे को, बिना गूगल की अगर बता सको तो आपको मैं दूंगा बहुत सारी शुभकामनाएं, ये वाले देश का नाम आपको मुझे बताना है। तो यूएन क्लॉज में इसी तरह की जो समस्याएं थी उसके बेसिस पर ही टर्की ने अभी तक साइन नहीं किए हैं। अब टर्की ने एक डिफेंसिव नेवल डॉक्ट्राइन भी शुरू करी थी कुछ साल पहले जिसका नाम है ब्लू होमलैंड।
इसका अल्टीमेट लक्ष्य ये था कि हमारा जो होमलैंड है उसको चारों तरफ से प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टर्की अपने इस ब्लू कलर की टेरिटरी को अच्छे से सिक्योर करना चाहता है, इस पर पूरी तरह से डोमिनेट और कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि टर्की के अनुसार अगर हमने यहाँ पर मिलिट्रेली यानी अपनी नेवी के थ्रू डोमिनेट नहीं किया तो फिर हमारी सिक्योरिटी को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो 2006 में ये पॉलिसी प्रपोज करी गई थी और 2013 में ऑफिशियली टर्की की गवर्नमेंट ने इसे अडॉप्ट कर लिया था। तो आप देखेंगे कि अब इसमें तो बहुत बड़ा एरिया, ये सब ग्रीस के आइलैंड्स हैं, ये भी हैं, तो इसीलिए ग्रीस को ऑब्वियसली ये मंजूर नहीं है। अब एक बात और याद रखना, टेरिटोरियल वाटर्स में आप किसी के जहाज को रोक सकते हो, किसी दूसरे के जहाज को, लेकिन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आप किसी के जहाज को रोक नहीं सकते। तो जब तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है तब तक टर्की को भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो अगर टेरिटोरियल वाटर्स ग्रीस अपने बढ़ा लेता है तो फिर क्या होगा, टर्की के कोई भी जहाज जो यहाँ सी ऑफ मारमारा से निकलकर मेडिटेरेनियन की तरफ यानी कि दुनिया की तरफ जाना चाहते हैं उनको कभी भी ग्रीस रोक सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है, ये कहकर कि आप तो हमारे टेरिटोरियल वाटर से निकल रहे हो, क्योंकि इतने सारे आइलैंड हैं, कहीं ना कहीं तो वो 12 नॉटिकल माइल के बीच में फंसेगा जहाज, तो उनको कहीं पर भी रोका जा सकता है, ये टर्की को बर्दाश्त नहीं होगा। तो वो अपने मिलिट्री नेवल शिप्स को आने जाने से रोके कोई इस तरह की स्थिति में नहीं लाना चाहता कि हमें कल को ग्रीस से परमिशन लेनी पड़े कि भाई साहब हम अपने जहाज लेकर चले जाएं क्या मेडिटेरेनियन में, ये स्थिति कभी भी टर्की नहीं चाहेगा। अब हालांकि दोनों देश नेटो एलाइज हैं तो पश्चिमी देशों के दबाव के कारण दोनों ने बोला है कि हाँ बैठकर हम इसको सॉल्व करेंगे, 25 जनवरी से वार्ता करेंगे, ये जितने भी मैरीटाइम डिस्प्यूट्स हैं इनको सॉल्व करने की कोशिश करी जाएगी। तो देखते हैं कि इस वार्ता में क्या निकल कर आता है, लेकिन ये डिस्प्यूट लंबे समय तक चलेगा ऐसा मुझे प्रतीत होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव ग्रेट डे।